गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। मोमेंट्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में आज मैं आपको लेके जाऊंगा गांव की कुछ पुरानी चीज़ें दिखाने। अभी बजे है 5 और धूप है बहुत ज़्यादा तेज़। 2-3 दिन से नहीं हो रही है बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप देख सकते हैं भाई, पूरा जो धूप है ना, पूरी जो धूप है वो घर के सामने आ चुका है। सूरज तो ऐसा हो गया, बिल्कुल आग उगल रहा है, वहाँ से बॉल फेंक रहा है और बुरी तरह उमस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको ले चलूँगा पुराने गाँव की कुछ चीज़ें दिखाने और बताऊँगा क्या है इनकी स्टोरी, क्या है। कुछ चीज़ों ने तो अपनी चीज़ें छोड़ दी हैं, हम और वो भी बताऊँगा क्यों छोड़ दी है, किस लिए छोड़ी। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें और रास्ता भी दिखाऊँगा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। गाँव है अपना, तो गाँव दिखाना बनता है इतना, क्योंकि यहीं से मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की है, यहीं से मैंने ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए हैं। तो धीरे धीरे बाहर भी जाएंगे, पर उससे पहले जब तक गाँव की चीज़ें दिखाने के लिए हैं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं शेयर करूँगा अपने गाँव को, दिखाऊंगा लोगों तक, पहुंचाऊंगा गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे लोग जीते हैं अपनी ज़िंदगी, कैसे रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। मैं पहुंचा हूं वहां पे जहां मैं आपको दिखाने आया हूं अपने कुछ पुराने गांव के विरासत, कुछ गांव के बहुत सारे पुराने घर जो बहुत पुराने हैं और उस टाइम की अपने आप की कला में एक अद्भुत नमूना भी, अद्भुत कला है। जब घर बने थे तो कैसे घर थे, कैसे लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था और क्या क्या थे, तो दिखाता हूँ मैं आपको घर। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ घर के पास। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है मेरे गाँव के सबसे पुराने घर और आप देख सकते हैं बेहतरीन कारीगरी का नमूना है ये। और आप भी देखिए, उस टाइम के इतने पुराने घर हैं। एक घर वहाँ पे भी है जो हमारे महिपाल चाचा खड़े हैं यहाँ पे, अपने टाइम के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, अपने टाइम के बहुत अच्छे बॉलर थे, इन स्विंग आउट स्विंग। अब इनसे भी क्रिकेट में बैठ लूँगा मैं एक दिन बहुत जल्दी, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। आप देख सकते हैं ये घर देखिए, चाचा इस घर पर रहते हैं अभी भी और इन्होंने घर नहीं छोड़ा। मैं आपको थोड़ी और आगे दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये है हमारी अम्मा, कुछ मुझसे बोल रही कि क्या लेके जा रहे हो। अम्मा वहाँ काट रही है सब्जी अंदर, अगर अम्मा दिख रही है तो आपको। ये देखिए अम्मा जी, घर दिखाने आए हो, घर है? इतने पुराने घर दिखाने आए हो ना, लोगों ने छोड़ दिए। कुछ कहोगे आप? घर लोगों ने छोड़ दिया, आप क्यों छोड़, आप कुछ कहोगे? हम कहाँ छोड़ू, नहीं लोगों ने इतने अच्छे घर बनाए तो छोड़ दिया, अब तो छोड़ लिया अम्मा। ठीक है अम्मा। तो ये देखिए आप, मतलब पहले ना पत्थरों से कैसे घर बनाए जाते थे और कैसे, मतलब पत्थर से तो आज ही बनाए जाते हैं, अब ज़्यादातर ईंटों का इस्तेमाल होता है, लकड़ी में प्लाई आ चुकी है। तो ये देखिए, भले ही दीवार टूट गई है पर लकड़ी को कुछ नहीं हुआ, लकड़ी अभी भी मौजूद है। और देखिए कारीगरी ना, बहुत बेहतर कारीगरी है, लोगों ने भले ही अपने घर छोड़ दिए हों आज और इतने अच्छे बना के घर लोग आज। चलिए मैं चलता थोड़ा आगे, आप देख सकते हैं जो घर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे, ये लोगों ने एक्चुअल में छोड़ दिए हैं और अब पहाड़ में आना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए, क्योंकि जिस गाँव ने सब कुछ दिया उस गाँव को छोड़ कर आज जाना मुश्किल भी होता है। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी आपको बहुत सारे मौके नहीं देती ना गांव में रहने के, जैसे हम लोगों को, हम तो खुश नसीब लोग हैं कि गांव में रह रहे हैं। तो अब हम चलेंगे आगे और थोड़ा सा और दिखाऊंगा। ये आज हुई है आस्था लेके गाय बच्चों के लिए खाना। तो आस्था क्या कहेंगे आप? जैसे कि आपने देखा अभी ये घर तब के हैं, आज से 100 या 200 साल पहले पुराने घर हैं, पर आज भी देखा बिल्कुल इनमें ना कीड़ा लगा हुआ है और ना ही घर में कुछ भी हुआ है, क्योंकि ये लकड़ी जब इस्तेमाल होते थे बहुत मजबूत लकड़ी इस्तेमाल होते थे। ये शायद लकड़ी है जो चीड़ के पेड़ होती है, जो चीड़ के पेड़ का जो ऑयल होता है, जो प्योर ऑयल होता है, उसकी ये लकड़ियाँ हैं। तो मतलब इसमें तो आप ये समझ लो कि नहीं लगेंगी कुछ भी चींटी वीटी या फिर कीड़ा। तो इसलिए वो आज भी देखे पुराने घर हैं और एक हमारी ताई यहाँ जा रही है और ये हमें देखेगी पीछे से, हे तो चल दिए हैं। अब हम जाएंगे सामने अपने प्रधान जी के घर और प्रधान जी से करेंगे बात, लेकिन उससे जाने से पहले आपको एक और घर दिखाएंगे, वो भी काफ़ी पुराना घर है और लोगों ने वो छोड़ दिया है, लोगों ने एक्चुअली इसलिए भी छोड़ दिया है जॉब करने के बहाने से। और बहुत सारी फैमिली ऐसी है जिनने अपने मम्मी पापा को गांव से अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया या दिल्ली शिफ्ट कर दिया और फिर हमेशा ये रीज़न रहता है कि यार गांव में कौन है अब हमारा, हम कैसे आए। तो ये एक आंसर जो है हमेशा जब सुनने को मिलता है ना तो बहुत अजीब सा आंसर मिलता है कि आपने एक तो अपने ही लोगों को अपने से दूर करने के लिए अपने गाँव से, उस गाँव से जहाँ आप ज़िंदगी भर रहे, जिस गांव ने आपको सब कुछ दिया है, उस गांव से दूर करने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं
तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही नहीं होती। तो मैं दिखाता हूँ, एक और घर आपको दिखाता हूँ, बहुत पुराना घर है लेकिन छोड़ दिया, इसकी हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है अब। तो देखिए ये एक आप घर देख सकते हैं, बहुत पुराना घर है। देखो अभी अगर आप सामने से देख रहे हैं, इसकी लकड़ी को आज भी कुछ नहीं हुआ है, पर अभी देख सकते हैं ये घर अभी इनमें बंद है, ताले लगे हुए हैं। ये वो घर हैं जिन लोगों ने खुद को और खुद की किस्मत को मजबूरी का नाम देके गांव छोड़ दिया और ये बोल दिया कि हमारी तो मजबूरी थी, हमने गांव छोड़ दिया। पर आज भी जब भी वो गांव आते तो रीज़न हमेशा ही रहता है कि यार अब कहाँ रहेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और चाहने को एक्चुअल में गांव ने उन्हें बहुत कुछ दिया, ज़िंदगी दी, बचपन दिया, जवानी दी, वो सारी हंसी खुशी, वो एक अच्छे पल सब कुछ दिए। पर जब इंसान को कुछ देने की बारी आए ना अपनों के लिए, तो ये देखिए आप हालत देख सकते हैं एक बार घरों की, तो कैसे हालत करके छोड़ के कुछ घर ऐसे हो गए जब लोग आना ही नहीं चाहते। एक घर पे तो देख रहे हो पेड़ लग गया भैया पीपल का इतना बड़ा, अभी तो शायद किसी ने काट भी दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी घर टूट गया है भले ही, पर देखिए अब देख रहे हैं, ये देखिए आप लकड़ी को ना आज भी कुछ नहीं हुआ, ये लकड़ियाँ प्योर लकड़ियाँ, बहुत अच्छी लकड़ियाँ, डिज़ाइन देख लीजिए आप पूरा घर। आप नक्काशी दिखाता हूँ मैं आपको, अब देख रहे इतनी प्यारी नक्काशी इन लकड़ियों में हुई है, सालों लग जाएंगे इन लकड़ियों में ही, मतलब अगर इनको अगर आज तरासा जाएगा ना मशीन से तो होंगे नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे एक और घर है वो भी दिखाता हूँ आपको। आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है गाँव को दिखाने का, इन घरों को दिखाने का पर्पज़ एक ये भी था, मेरा एक मोटिव भी था कि लोग इस वीडियो को देखें, लोग अपने गाँव की तरफ आए, लोगों को ये फील हो कि यार हमने गाँव जब छोड़ा तो क्या किया। मैं आपको सही बताऊँ, कोविड जब हुआ था तो आधे लोग इसलिए नहीं आ पाए कि उनका एक ही बोलना था कि आप हमारा तो गांव में घर नहीं है, और है सब कुछ, लेकिन उनने पहले तो अपने माँ बाप को यहाँ से दूर कर दिया, और बाद में जब यहाँ रहने की बारी आई तो यहाँ उन्हें छोड़ दिया आना। बहुत कम आते हैं, बहुत केस, एक ही चीज़ में याद आती है, जब आती है भगवान की याद ना ऊपर वाले की, तभी गाँव याद आता है बस, बाकी कोई चीज़ में उनको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, अगर कल हमारी ज़िंदगी में होता तो शायद हम भी यही करते। पर उससे पहले मैं दिखाता हूँ एक और घर आपको, तो प्रधान जी के बगल का घर है, हम पहुँचे प्रधान जी के घर में, मिलते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी बैठे हैं गोठ में, कमरे में, शायद पार्टी वार्टी चल रही है, देखते हैं पार्टी में हम भी शामिल होंगे। हेलो, अपने दादू के घर के अंदर आप दिखाता हूँ, वहाँ चल रही है पार्टी, शायद हो सकता है कुछ सही पार्टी चल रही हो। तो मैं चुपके से पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे एक भाई हमारे, तो हमारे दादू लोगों की हो गई है पार्टी ख़त्म। पार्टी ख़त्म होने के बाद हम करेंगे दादू से थोड़ा बातें, क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हो बखली, जो लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। मैं पीछे बता दूँ, ये हमारे मान भैया का घर है, ये अपने ससुराल ज़्यादा जाते हैं। अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मान भैया याद रखना, आपको यहाँ आना है, ससुराल नहीं जाना, घर भी आना है। तो छोड़ने का अगर रीज़न, सही सही रीज़न बताऊँ, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारी ना डिमांड चॉइस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो हमें पहाड़ ऐसा लगने लगता है कि यार नहीं अब ठीक है, बड़े हो गए हैं, पहाड़ से थोड़ा सा दूर जाते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं। पर पैसे कमाते कमाते हमें भूल जाते हैं कि हम, हमारी एक अपनी ज़िंदगी भी है, हमारा अपना घर है, परिवार है, वो गांव है। सिर्फ परिवार सिर्फ माँ बाप से नहीं होता, परिवार बनता है गांव से, लोगों से, जैसे हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई, सब लोग हैं। जब भी कोई भी चीज़ होती है ना गांव में, तो सबसे पहले यही लोग आते हैं। तो ये क्या होता है ना, एक परिवार होता है। शहर में आप 10 by 12 के कमरे में रहे, बंद हो गए, और मंदिर है, सुबह उठ के ना यहाँ जब देखते हैं ना सामने सूरज को उगते हुए, तो वो अलग ही फील होता है। और सुबह उठेंगे आप दूसरे का मुँह देखोगे, वो गिरा हुआ मुँह, कि ऑफिस जाना है भैया ये वो। तो करते हैं इनसे बात कि क्या इनने क्या एक्चुअल में क्यों गांव छोड़े लोगों ने, थोड़ा सा हल्की बाइट लेंगे। मोहित भैया तो हमारे खसक गए पहले, मोहित भैया बोल रहे हैं हम निकलते हैं भैया, हमारी बस की बात तो है नहीं। तो करते हैं इन भैया से बात अब। तो मैं बैठा हूँ हमारे ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान जी, हमारे बड़े भाई साहब, हमारे बड़े भैया पप्पूदा के साथ, क्योंकि ये बहुत टाइम से गाँव में रहे हैं। और एक चीज़ इनकी मुझे बहुत सही लगती है, इनने अपना जो घर है अभी भी ऊपर वाला जो टेरिस का मैं दिखाता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो में दिख रहा होगा, आपको एक घर दिख रहा होगा छोटा सा ऊपर, सबसे ऊपर टॉप में। तो इन्हें अपना जो घर है ना, जो पुराना वाला सबसे पुराना घर है, उसकी छत अभी भी ऐसी छोड़ी है, ये इनके पिताजी ने बनाया था। तो उनकी विरासत आज भी उन्हें रखी हुई है, धरोहर है कि बड़े प्यार से अपनी मेहनत से उन्हें बनाया था। तो मैं पूछूंगा पप्पूदा से, थोड़ा बात करते हैं हम धर्मानंदा से, दोनों से बात करेंगे कि आप इनसे पूछते हैं कि गाँव एक्चुअल में लोगों ने क्यों छोड़ दिया, क्या रीज़न रहे गाँव छोड़ने के। तो बताइए दाजू, एक्चुअल में लोगों ने, बहुत सारे लोग अब गाँव से चले गए हैं, तो आपकी राय भी हम लेना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत टाइम से गाँव में, दोनों बहुत टाइम से गाँव में, थोड़ा सा राय या मशवरा बताइए, क्यों लोगों को अपने घर आना चाहिए, गांव आना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। जैसे मेरा मानना है, सबसे सर्वप्रथम तो यह है कि गांव जो छोड़ने का कारण है कि यहाँ पे एक तो पहले रोजगार नहीं है पहाड़ों में, रोजगार नहीं होने के कारण शिक्षा की प्रॉब्लम है, लोग अपने बच्चों को बाहर इसलिए ले जा रहे हैं कि वो थोड़ा सी शिक्षा का क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। फिर मेन चीज़ क्या है, आखिर में आखिरकार जो होता है गांव में लोग इसलिए आते हैं
उसने अपनी, क्योंकि ये तो देवभूमि उत्तराखंड है, देवों की यहाँ पे पूजना होती है। अगर याद यहीं की आएगी, इसलिए आएगी हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या किया था, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो देवभूमि है तो अपने जो पितृ हैं, जो हमारे पितृ हैं उनको पूजना है, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पे सब कुछ होता है, तो वो पूजने के लिए आना ही आना है। सिंपल सी बात है, लोग अपने गांव आए ना आए लेकिन अपने अम्मा बुबू को पूजने ना जरूर आएंगे। और ये ना बहुत सही बात है, लोगों को ना कभी अपने गांव की याद नहीं थी। मैंने आपको पहले ही थोड़ी देर पहले ही बोला, जैसे पप्पूदा ने बोला भी है, क्योंकि एक तो क्या ना जॉब नहीं है, जॉब बहुत कम है लोगों के पास, लिमिटेड जॉब है। देखो ये सब कुछ होने के बाद भी ना मैं ये मानता हूँ कि आप अपने घर में ना आ सकते हो, साल में 6 महीने में एक बार आ सकते हो, अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अब अगर मेरे पीछे के ऊपर घर देख रहे हो तो जो मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, वो घर अभी क्यों अच्छे हैं, वो इसलिए अच्छे हैं कि उन लोगों ने क्या किया, वो अपने घर पर टाइम टू टाइम आते हैं, उसकी थोड़ा देखभाल कर लेते हैं। पर फाइनली देखो सब कुछ होने के बाद एक ही चीज़ है कि आप कहीं भी जाओगे अपने अम्मा बुबू को पूजने जरूर आओगे, क्योंकि वो आपको लग जाएंगे ना जिस दिन, तो जाएंगे नहीं जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं। और आने के बाद आपको बकरा बकरा तो देना ही पड़ेगा भैया, बिना बकरे के तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पूर्वजों ने जो किया ना, आपके माता पिता ने, आपके दादा दादू ने, उनकी कुछ ना कुछ आपका ना कुछ उसको देना पड़ेगा। और जो भी आता उम्मीद से आता देवभूमि उत्तराखंड है, जैसा कि पप्पूदा ने बताया, देवभूमि उत्तराखंड का अपना एक अलग सा नशा है, बात है इस हवा में, इन चीज़ों में। तो पप्पूदा को मैंने बताया ना, पप्पूदा का घर, पप्पूदा ने अपने सबसे ऊपर वाली जो छत रखी ना अभी मिट्टी की रखी है, मिट्टी के वो इसलिए रखे क्योंकि वो बोलते हैं कि उनके पिताजी ने वो बड़े प्यार से बनाया, उसको संजोया है, तो वो उसे अभी हटाना नहीं चाहते तब तक जब तक वो चल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर में फिर लेंटर वेंटर डलवा लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि लकड़ी पुरानी हो जाती, ख़राब हो जाती, वो लकड़ियाँ अब नहीं मिलेंगी जो पहले मिलती थी। तो चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा दिखाता हूँ गाँव, फिर चलते हैं घर की तरफ। हमारी अम्मा आ गई है और फ़ोटो ले रहे, जैसे मैंने बोला तो फोटो खींचनो तुम मेरे बान दिखी ना तुम भाई बान भाया तुम भाई गम तुम जैसे बान जो किसी को देख ये है हो फ्री में अम्मा जी फ्री में छू सब फोटो उन्हें तुम्हें तो बान उन गौर बना रहा। पहुंच चुका हूं मैं घर अपने और आपको दिखाया मैंने कुछ पुराने घर, क्यों लोग छोड़ के चले गए थे, क्यों वहां पे लोग नहीं रहना चाहते। तो कुछ लोगों ने, आपने देखा कि एक भैया ने मुझे बोला कि एजुकेशन, देखो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी हो सकता है, लोग क्यों छोड़ते हैं अपने घर। तो चलिए बस इतना ही कहूँगा कि जब भी मौका मिले अपने घर, अपने गांव, पहाड़ आइए, अपने घर पे रहिए, अपनी पुरानी यादें जो बचपन बीता आपका, जहाँ आपने खेला, आपने पढ़ा, आपने लिखा, जहाँ आपके मम्मी पापा के, अपने वहाँ आपके सपने, अपने भाइयों के सपने बचपन बीता है, तो वहाँ ज़रूर एक बार आइए और रहने की कोशिश करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें।